आज मैं आपके साथ पालक चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत यम्मी बनता है, आप उंगलियाँ चाटते रह जाओगे, उतना ही जूसी बनता है और हेल्दी भी हो जाता है। सच कहूँ तो पालक चिकन की रेसिपी मुझे पहले बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन मैंने इसे ट्राई किया और ये मुझे बहुत पसंद आया। तो आप मान के चलो कि हर वीक मेरे घर में ये बनता ही बनता है, इसलिए सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चिकन पालक की रेसिपी। दोस्तों, मैं हूं पिंकी और आपका माय किचन में स्वागत है। तो सबसे पहले हमें एक पैन या कढ़ाई में डाल देना है सरसों का तेल। सरसों का तेल से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप अपने पसंद का तेल यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ले लेंगे खड़ा गर्म मसाला, जिसमें मैंने लिया तेज पत्ता, एक दालचीनी, एक रेड चिली, इलायची, दोनों इलायची मैंने लिया है, काला और हरा, दो लौंग, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, थोड़ा सा जीरा। और अब हम इसे डाल देंगे तेल में और इसे स्प्लैटर होने देंगे। स्प्लैटर हो जाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून के करीब अदरक और लहसुन चॉप्ड किया हुआ, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। और इसके रॉ स्मेल जाने तक हम फ्राई कर लेंगे। रॉ स्मेल जा चुका है, अब हम यहाँ पर डाल देंगे 2 बिग साइज़ का अनियन चॉप्ड किया हुआ और ग्रीन चिली टेस्ट के अकॉर्डिंगली। और अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद अब हम यहाँ पर डाल देंगे नमक। नमक के डालते ही प्याज जल्दी से गलना शुरू हो जाता है, इसलिए नमक पहले डाल देंगे। अब यहाँ पर डाल देंगे टर्मरिक पाउडर, इसी के साथ डाल देंगे यहाँ पर रेड चिली पाउडर। टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर से कलर बहुत अच्छा आएगा अगर आप पहले ही डालेंगे तो। और अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज का बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम यहाँ पर डाल देंगे 1 चॉप्ड किया हुआ टमाटर और इसके सॉफ्ट होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। टमाटर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तब हम यहाँ पर डाल देंगे चिकन। तो चिकन मैंने यहाँ पे 1/2 kg लिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में। 10 मिनट के बाद इसके कवर को हटा देंगे और अब हम इसे ढकेंगे नहीं, फ्लेम को हमेशा मीडियम रखेंगे। तो ध्यान रहे कि अगर आपको अच्छा मटन, अच्छा चिकन खाना या कोई भी सब्जी खानी है तो फ्लेम को हमेशा मीडियम रखिए और कुक कीजिए। अब हम यहाँ पर डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो मसाले में हम यहाँ पर डाल देंगे 1/2 टीस्पून के करीब जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर डाल देंगे, घर का पिसा हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर और 2 पिंच के करीब लौंग का पाउडर। अब हमें इन सारे चीज़ों को अच्छे से फ्राई करना है, फ्लेम हमेशा मीडियम रखेंगे अगर आपको अच्छा टेस्ट चाहिए तो। चिकन को हम अच्छे से फ्राई होने देंगे और आप देखेंगे कि चिकन अच्छे से फ्राई हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया, हल्का रेड कलर में आ जाता है सारा पीसेस। तो आपको चिकन खाने में मज़ा आएगा, सोंधा सोंधा खुशबू और बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। अब हम यहाँ पर डालेंगे पालक। तो ये फ्रोज़न पालक है, आप फ्रेश पालक ले सकते हैं, लेकिन फ्रेश पालक को पीसिएगा मत, बारीक काट लीजिएगा। मेरे पास फ्रोज़न पालक पड़ा है तो मैं इसको यूज़ करूँगी। अब हम यहाँ पर डाल देंगे पालक को। अब इसे भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेना है, ताकि पालक भी चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और कुक हो जाए। तो दोस्तों, 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं पालक चिकन बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो इस टाइम पे पानी डाल करके थोड़ी देर के लिए ढक सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे ही खाना है, ये मुझे बहुत पसंद है इसी तरीके का पालक चिकन बिना पानी वाला। तो आप ऐसे एक बार ट्राई कीजिए और गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए चावल के साथ या फिर पराठे के साथ। ये देखिए कितना जूसी लग रहा है, कितना यमी लग रहा है, बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर भी आया है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको पालक चिकन की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है अपने आप को अपग्रेड करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।